इसी बीच ऋषिकेश से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गीता भवन के कर्मचारियों का प्रदर्शन, तो बच्चे के साथ टंकी पर चढ़े कर्मचारी नौकरी से निकालने का विरोध किया है। तो गीता भवन ने 35 कर्मचारियों को निकाला था, पिछले 24 घंटों से पानी की टंकी पर है कर्मचारी। तो ऋषिकेश स्वर्गाश्रम क्षेत्र में स्थित गीता भवन के कर्मचारियों का मुद्दा अब गर्माता हुआ दिख रहा है। बता दें कि अब कर्मचारी आर पार की लड़ाई के मूड में है। तो बता दें कि स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में स्थित गीता भवन के ट्रस्टियों ने गीता भवन विद्यालय में कार्य करने वाले 35 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था, जिसको लेकर पिछले कई महीनों से कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी माननीय उच्च न्यायालय में गए, जिसके बाद न्यायालय ने यह मामला श्रम विभाग को स्थानांतरित कर दिया था। श्रम विभाग की तरफ से दोनों पक्षों को बैठाकर आपसी समझौते के साथ मामले को निपटाने के आदेश दिए गए थे। बावजूद इसके गीता आश्रम के ट्रस्टियों ने बिना किसी कारण कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। ये तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं उसी धरने की, जो टंकी पर चढ़कर अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं। माधव अग्रवाल नगर पंचायत अध्यक्ष स्वर्गाश्रम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और माधव जी, जिस तरह से ये लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, उस बीच अब ये टंकी पर चढ़कर अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं, आखिर इस गुस्से को शांत क्यों नहीं करवाया गया अभी तक? इसमें शासन प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पा रहा है और पिछले 14 महीनों से लोगों को तनख्वाही नहीं मिली है, इनको जबरदस्ती दूसरी जगह शिफ्ट करा जा रहा है। इससे पहले एक बाबा जी भूख हड़ताल पे बैठे थे इन कर्मचारी के समर्थन में, वो भी वहां पर मर गए, पर किसी भी ट्रस्टी के खिलाफ शासन प्रशासन ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करा। अब कोरोना काल में पहले ही लोगों पे आजीवन का संकट है, उसके बाद 38 परिवार भूखे मरने की नौबत पे, तो वो क्या करते हैं, वो मजबूरन टंकी पे चढ़े हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। लेकिन इस दौरान कोई हादसा हो, प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है, उनका क्या कुछ कहना है, कोई आश्वासन उनकी तरफ से, समझाइश की किस तरह से कोशिश हुई? कल तहसीलदार साहब और थाना अध्यक्ष महोदय भी पूरे दिन वहीं पे धरना स्थल पे मौजूद थे। उन्होंने ट्रस्टियों से वार्ता करने की कोशिश करी, पर वो हट धर्मिता पे अड़े हुए हैं और वो नहीं, वो मामला सॉर्ट आउट करना नहीं चाह रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये गुस्सा इसलिए भी लाजमी है, जैसा कि आपने भी बताया है कि आजीविका का उनके पास कोई साधन नहीं रहा और इस तरह से नौकरी से निकाल देना, क्या इसको लेकर कोई समझाइश की गई? हाँ भाई, इसमें बात हुई, उनका मैनेजर साहब आया, उनसे बोला गया कि भाई आप इन लोगों को, ये गीतौन के कर्मचारी हैं, औषधालय के फैक्ट्री के कर्मचारी नहीं है, इनको आप गीतौन में चाहे माली में चाहे गार्ड में चाहे कहीं पर भी रखिए, पर उन्होंने साफ रखने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम ट्रस्ट बोर्ड में रखेंगे, खाली एक घुमाने का प्रयास हो रहा है कि लंबी लड़ाई लड़ी जाए, लगातार कर्मचारियों पे केस दर्ज करे जाए, कर्मचारी खुद ही काम छोड़ के भाग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया माधव जी जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ माधव अग्रवाल जी जुड़े थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि समझाइश की कोशिश पूरी हुई है, लेकिन जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पर है, क्योंकि बिना कारण को नौकरी से निकाल दिया गया और अब उनके पास आजीविका का कोई साधन